नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पारिवारिक टूट और संस्कारों की कमी के कारण वृद्ध आश्रम में रहने पर हुए मजबूर हमारे वृद्ध। औलादों को अपने फर्ज और जिम्मेदारियों की जानकारी नहीं, इसलिए बूढ़े माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम। माता पिता की बुढ़ापे में औलाद की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। बुजुर्गों की परेशानियों को नहीं समझने वाले पुत्र रहते हैं जीवन भर परेशान। माँ बाप का प्यार दुलार को फिर से लाचार देखा है मैंने। अजिद घमंड विवशता के आगे ममता को हारते देखा है मैंने। वो पीड़ा कुछ के सिर दर्द पिता के मजबूर कितना देखा है मैंने। अब वो क्लेश दिल के खुदगर्ज बेटा जुबान खंजर देखा है मैंने। बता दूं कि अपने पुत्र के हाथों पिता को माता को वृद्धाश्रम में जब छोड़ दिया जाता है, उस माता पिता पर क्या गुजरता है। वैसे तो हमारी बच्चिया कुछ इस पर अमल भी कर रही हैं, अपने माता पिता की जितना सेवा कर रही हैं उतने हमारे पुत्र लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे ऐसे घर में पुत्र और बहू के द्वारा प्रताड़ित हो करके वृद्धाश्रम भेजा जाता है। आइए वृद्धाश्रम में खाना बनाने वाली एक महिला से बात करते हैं, वो महिला क्या करती है, आइए सुने। तीन से लगी हुई हूँ, जो ये संस्था चल रही है 2003 से हूँ। मुझे कम से कम यहाँ पे 14-15 साल हो गए। मेरा बच्चा छोटा था, 3-4-5 साल का था, वो मेरा आर्मी एक्सपायर हो गए थे। मेरे घर में बहुत सी ऐसी परेशानी आई जो मैं बता नहीं सकती। तो जो हमारे संस्था वाले जो हमारे सर हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। जब से हमें लगा कि मुझे कोई परेशानी नहीं, सारे सब ठीक है। मेरा बच्चा आज 4 साल का था, आज मेरा बच्चा 12th क्लास में पढ़ता है। उसके बाद पहले इससे पहले स्कूल चलता था, मैं वहाँ पे काम करती थी। उसके बाद यहाँ आश्रम खुल गया तो मैं यहाँ पे आई। सबकी सेवा वगैरह में जो भी है सब ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हम तो कह रहे हैं भगवान से यही प्रार्थना करें कि ये संस्था चलते रहे, और ये चलेगा तो हमें भी खुशी होगी। नहीं तो हम देखो, हमारी भी परेशानी है, हमारे भी छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे। इनका कहना है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वृद्धाश्रम में वृद्ध जनों को मैं खाना खिलाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा अपना भी काम हो जाता है। मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि महिला या लड़की ही इस पर कुछ ध्यान दे रही है, माता पिता पर या बुजुर्गों की सेवा पर। क्या होता है, उसे तनहा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई। मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। वो बूढ़ी हो गई तो बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने झुलसाई। अब तो अपने बीबी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। उसी को भूल बैठा है जिसे जो दुनिया में उसे लाई। आज आइए फिर एक बेटी के मुख से हम सुनते हैं जो उसी वृद्धाश्रम में सफाई कर्मी का काम कर रही है, आइए सुने उनका कहना क्या है। 7 साल हो गए यहाँ पे, साफ सफाई करती हूँ। जैसे कुकर वगैरह छुट्टी पे चले जाते हैं तो खाना भी बना लेती हूँ। मतलब 1 साल हो गया जैसे फंड नहीं मिला, मतलब सैलरी नहीं मिली तो काफी दिक्कत हो रही है, किराए पे रहते हैं हम। तो हमारी ये भगवान से हुआ कि फंड मिलना चाहिए। इनका कहना है कि संस्था के द्वारा बहुत दिनों से पैसा नहीं मिला, फिर भी ये लोग अपने तन मन धन से काम कर रहा है। तो आइए मैं एक बात और आप लोगों के सामने, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप जब मांगे नहीं है जेब में एक पाई। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बाप बोझ लगती हैं। और उस कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी नहीं सिखलाई। मैं बेटी हूँ, मैं अपने माँ को अपने साथ लाई। मैं बेटी हूँ, मैं अपने माँ को अपने साथ लाई। तो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है, बुढ़ापा तुझे भी आएगा ये है सच्चाई। बुढ़ापा तुझे भी आएगा ये है सच्चाई। सिने न्यूज से मैं अश्वनी कुमार पिंटू आज इस वृद्ध आश्रम पर स्क्रिप्ट लिखकर मुझे खुद गर्व हो रहा है कि मैं इस तरह का स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। बाकी मैं समाज के सभी व्यक्तियों से आग्रह करूंगा कि अपने माता पिता का सम्मान करें। सिने आजकल के लिए मैं अश्वनी कुमार पिंटू, धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।